सवाल ये पूछा गया है कि सफ़र की हालत में रोज़ा रखना कैसा है, यानी इंसान के लिए कोई ऑप्शन है रोज़ा छोड़ने का या नहीं। तो उसका जवाब ये कि अगर आप शहरी सफ़र कर रहे हैं, 100 किलोमीटर तक आपने जाना है या उससे ज़्यादा का सफ़र आपने तय करना है और वहाँ 15 दिन से कम रहने का आपका इरादा भी है, तो फिर शरण आपको इजाज़त है कि आप रोज़ा रख भी सकते हैं, रोज़ा छोड़ भी सकते हैं। अलबत्ता रोज़े को रखना जो है वो ज़्यादा बेहतर और अजर का बहस करार दिया गया है, लेकिन अगर मुशक्क़त हो, तकलीफ़ हो, तो फिर आप रोज़ा छोड़ सकते हैं और उस रोज़े के बदले में एक रोज़ा जो है बतौर कज़ा आप रखेंगे, कफ़ारा जो नहीं होगा। क्योंकि कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ने फरमाया कि जब तुम मरीज़ हो, बीमार हो या तुम सफ़र पर हो, तो फिर दूसरे दिनों में उनके बदले में आप जितने रोज़े छोड़ेंगे उतने रोज़े जो है वो आप रख सकते हैं। आजकल एक सवाल ये सबसे ज़्यादा होता है कि चूंकि सफ़र बड़ा आरामदेह हो गया है, गाड़ी एयर कंडीशन होती है, बाज़कत भाई एयर जा रहे होते हैं, तो क्या ऐसी हालत में भी रोज़ा जो है वो छोड़ सकते हैं? तो उसका जवाब ये है कि जहाँ वो 100 किलोमीटर का सफ़र पाया जाएगा, तो सफ़र जो है वो इल्लत और सबब बनता है, उसकी कंडीशन का नहीं कहा गया। हाँ, उसके बारे में ये है कि अगर आपके लिए आसान सफ़र है तो आप रख लें तो ज़्यादा सवाब का बायस है कि सफ़र के दौरान भी आपने रोज़े को छोड़ा नहीं है, रुख्सत की बजाय अजीमत पे अमल किया है। तो सफ़र चाहे जितना भी ईजी हो, जब सफ़र पाया जाएगा 100 किलोमीटर का और 15 दिन से कम के क्याम का, तो शरअन बंदे को रुख्सत हासिल हो जाती है कि वह रोज़ा रमज़ान का छोड़ दे और बाद के किसी अयाम में जाके एक रोज़े के बदले में एक रोज़ा यानी वो कज़ा के तौर पर रख ले। तो लिहाजा सफ़र जैसा भी हो, बहरहाल इंसान को ये अल्लाह की तरफ से रुख्सत और जो है वो रियायत मिल जाती है। तो लेकिन फोका कहते हैं कि रख लेना ज़्यादा बेहतर है कि ये ज़्यादा अजर सवाब का वैसे।